तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी सिंबल क्या होता है वी। इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक स्टूडेंट को कहा भाई तूने गोल चक्कर में घूमना है, और प्लीज ये वर्टिकल नहीं है, ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल सर्कल ही है, तो आपने कैसे घूमना है, हॉरिजॉन्टली घूमना है ए, और थोड़ी देर के बाद आप कहां पे आ गए बी पे। तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा बता तेरे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर तो ये पॉइंट बी मैं उसको यहां बोलता ये रहा, तो आंसर पता है क्या देता कि सर मेरी डिस्प्लेसमेंट तो ये है, बात खत्म। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछता हूं कि तेरा जो बी पॉइंट है वो बहुत ही नजदीक है इस ए पॉइंट के, लेट अस सपोज यहां पे है, बहुत ही नजदीक है, सच दैट दिस डिस्टेंस इज वेरी 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 स्मॉल, आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन रियलिटी में बहुत छोटा है, इतना छोटा कि अगर कोई पूछे कि ये है कितना, तो आप एक वेक्टर ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है टी एक्स वेक्टर, ये इतना छोटा है, ये वेक्टर है। अब किसी ने कहा सर ये ऐसा स्ट्रेट क्यों है, स्ट्रेट क्यों, गोल होना चाहिए क्योंकि बॉडी हर वक्त किस में घूम रही है ना सर्कल, तो इस वेक्टर को थोड़ा मुड़ना चाहिए, वेक्टर कभी मुड़ता नहीं है, वेक्टर तो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो फिर जब मैंने ये पूछा कि बता डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कह रहा है डी एक्स वेक्टर। एक और स्टूडेंट से पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कहता है सर देखो क्योंकि बॉडी किस में घूम रही है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मेरे हिसाब से उसकी डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, डी थीटा। अब एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है लीनियर की फॉर्म में और एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है एंगुलर की फॉर्म में, तो क्या सही मानेंगे दोनों कि एंगुलर? कितने लोग बोलते हैं एंगुलर, कितने लोग बोलते हैं लीनियर, कितने लोग बोलते हैं दोनों? ओके एग्जाम्पल और बड़ा लेते हैं, ये तो छोटा एग्जाम्पल है, अब और समझते हैं। सपोज करो किसी ने कहा कि आपने ना सर पूरे इस सिटी का 50 किलोमीटर का रेडियस है चक्कर काटना है, तो मैंने कहा पैदल नहीं, नहीं कहता गाड़ी चला लो चाहे कोई बात नहीं, पैदल काटना है पैदल काट लो कोई बात नहीं, चलो पैदल काटते हैं, तो पैदल चलना है। और सपोज उसका सेंटर कहता सेंटर 11-15 का चौक ले लो सामने, इस राउंड बोर्ड को सेंटर मानो, 50 किलोमीटर घूमना है आपने, चलो मैंने कहा चलो घूमते हैं, कैसे चलूं यहां से शुरू हो रहा हूं, मान लो 50 किलोमीटर बहुत दूर है सेंटर, तो कुछ देर मेरे को सीधा चलना पड़ेगा, फिर कुछ देर के बाद मैं मुड़ूंगा, देखो तो सड़कें ऐसे मुड़ती ना, सीधी चल के फिर मुड़ती हैं, सीधी फिर जितना बड़ा सर्कल है काफी ज्यादा सीधा चलना पड़ेगा आपको, फिर मुड़ना पड़ेगा। सोचो किसी ने कहा कि आपको चक्कर काटना है 500 दिल्ली तक, दिल्ली तक यहां से 250 किलोमीटर है, इतना बड़ा चक्कर काट के आओ। अब सोचो मैं कह रहा हूं अच्छा मुझे तो सर्कुलर मोशन में घूमना था ना, चलो सर्कल घूमते हैं, लो सर्कल घूमना है, और ये चक्कर तो यहीं खत्म हो गया घूम घूम के, तो यानी कि कुछ देर तो यार सीधा, देखो जितना छोटा चक्कर है उतना ही जल्दी मुड़ूंगा, जितना बड़ा चक्कर है उतना ही लेट मुड़ूंगा, बहुत बड़ा चक्कर है लेट मुड़ूंगा, ऐसे ही होगा ना। तो आप सोचो इसके साथ तो ये सिचुएशन है ना। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे को सिर्फ फोन पे इंस्ट्रक्शन आई है, वो कहते हैं जी आपने ना बड़ा चक्कर काटना है 50 किलोमीटर का, मैंने भी क्या पैदल चलना शुरू कर दिया, मैं कहा ठीक है भाई फोन पे बता दियो कब मुड़ना हो, मुझे कोई सैटेलाइट से देख रहा है, तो मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं सीधा चल रहा हूँ, उसने कहा मुड़ो, मैं मुड़ना, फिर सीधा चलो, उसने कहा मुड़ो, ऐसे ऐसे ही हुआ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे से किसी ने पूछा सर ए से बी गए, मैंने कहा गया, कहते डिस्प्लेसमेंट क्या कवर की, मैंने कहा डी एक्स वेक्टर, मेरे को तो दिख नहीं रहा ना वो मुझको सर्कल में घुमा रहा है, मेरे को तो लगा कि मैं तो सीधा ही चल रहा हूँ, उसने हल्का सा मुड़ने को मैं हल्का सा मुड़ गया, क्योंकि सर्कल का पार्ट मुझे एक स्ट्रेट ही नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता वो सर्कल में घूम रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मुड़ने को बोलता है बस, राइट। तो मेरे हिसाब से तो डी थीटा नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, मेरे हिसाब से तो बस डी एक्स है, बात खत्म। अब जो मुझे घुमा रहा है वो सैटेलाइट से मुझे ऊपर से देख रहा है और देख रहा है कि मेरी गाड़ी ऐसे घूम रही है। अब उससे पूछा कि ये कार कहाँ जा रही है, वो कहता है अभी ए पे है, देखो बी पे आएगी, काफी किलोमीटर के बाद बी पे आएगी, सपोज ये किलोमीटर से बोल रहा हूँ चक्कर बहुत बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो कहता है देखो इसकी बात मत सुनो, इसको तो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, अगर आप इसका सेंटर लें क्योंकि गेम काफी बड़ी है, क्योंकि गेम तो सर्कल में घूमेगी, तो अगर आप बड़ी पिक्चर देखो तो वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब बंदे तो दोनों सही बोल रहे हैं ना, अपनी तरफ से ये भी सही बोल रहा है ड्राइवर डी एक्स, और अपनी तरफ से बड़े लेवल पे डी थीटा भी सही बोल रहा है, कोई डाउट इसमें? अब सपोज करो यानी कि दोनों डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट
करती है, ये बात माननी पड़ेगी। ये नहीं है कि सर्कुलर है तो लीनियर खत्म, चलो जी ठीक है सर ने कहा था सर्कुलर पढ़ना है, काइनेमेटिक्स पढ़ना छोड़ दो, बॉडी सीधी नहीं चलती, अब गोली घूमती है, नहीं एक्चुअल में बॉडी सीधी ही चलती है लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाती है फिर सीधी चलती है, ऐसे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, राइट, क्लियर है यहां तक? तो एक्चुअल में दो डिस्प्लेसमेंट्स एक साथ कवर होती हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी। देखने का नजरिया है कि कोई कैसे कर रहा है, अगर इससे पूछोगे कि लीनियर ही बोलेगा, अगर सैटेलाइट व्यू से देखोगे पूरा सर्कल तो एंगुलर बोलेगा, लेकिन रियलिटी में दोनों है, मानते हो इस चीज को? अब सेम क्वेश्चन मैंने इससे पूछा जो गाड़ी चला रहा है, भाई ये बता इस केस में, इस केस में तेरी वेलोसिटी क्या है? अब मैं कार चला रहा हूं, मैं अपनी कार की स्पीड स्पीडोमीटर देख रहा हूं, मैं को वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आर सर, मेरे को क्या पता यार कोई सर्कल में घुमा रहा है मेरे को, मैं तो गाड़ी की वी बताऊंगा ना। मैंने कहा कैसे कैलकुलेट की? वो कहता देखो जी मैंने डीएक्स कैलकुलेट किया और मैंने डीटी से डिवाइड कर दिया, अभी डीएक्स डिस्टेंस है डीटी टाइम है, बात खत्म, वेलोसिटी आ गई। और कौन सी वेलोसिटी आई? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो अपने डिस्प्लेसमेंट को कैसे व्यू कर रहे हैं? लीनियर। तो वेलोसिटी भी कैसे निकाल के आएगा? लीनियर। कोई डाउट इसमें? उसके हिसाब से वेलोसिटी लीनियर है। मैंने कहा अच्छा बता वेलोसिटी की डायरेक्शन बोल क्या है? कहता जहां डीएक्स है वहीं वी है, क्योंकि जो डायरेक्शन डीएक्स की होगी वही डायरेक्शन वी की भी होगी। तो मैंने कहा कैसे? वो कहता देखो ऐसे जो मेरा डीएक्स है ना वो ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं इसमें वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूं तो मेरी वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे ही है ऐसे, तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर देखो ऐसा है, वेक्टर मान लो ये नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ यहां खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, अब पूरा वेक्टर ड्रॉ करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी यहां पे। तो आपने सुना होगा कोई बॉडी जब सर्कल में घूमती है ना तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होता है, ये आंसर है टेंजेंशियल का, मुझे पता नहीं आपने कौन सी क्लास में सुना, 10th में सुना। तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होता है, वो पता है क्यों? क्योंकि आप इस ड्राइवर से पूछ रहे हो तो जा कैसे रहा है, वो बोलता है जी लीनियर जा रहा हूं, तो वेलोसिटी वेक्टर भी मेरी लीनियर है। वो अलग बात है उसको अलग इंस्ट्रक्शन मिलेगी यहां के भी, तू इधर मुड़ जा, इधर मुड़ जा, अब वो डीएक्स ऐसे कवर कर देगा और बोल देगा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, उसका क्या जा रहा है? ऐसे ही करेगा। फिर अगली इंस्ट्रक्शन को यहां मिलेगी डीएक्स इधर है तो वी वेक्टर भी इधर है, तो जहां पर भी आप वी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हो ड्रॉ अ टेंजेंट। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, टेंजेंट क्यों बोला जा रहा है? इसका मतलब कोई बॉडी अगर सर्कल में घूमती है और मैं ये कहूं कि वी नहीं होता ना, वी तो होता है, लेकिन उस स्टूडेंट से पूछो जो इसका सैटेलाइट व्यू देख रहा है, वो कहता है देखो ऐसा है, वो तो बोलता रहेगा डीएक्स, उसको क्या पता क्या हो रहा है? वो कह रहा है ऐसा है कि इसको तो घुमा रहे हैं हम सर्कल में, घूमने के लिए वेलोसिटी क्या यूज करेंगे? एंगुलर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बोलो? डी थीटा बाय डीटी। इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी, डीएक्स के साथ डी थीटा एग्जिस्ट करता है, वी वेक्टर के साथ ओमेगा भी एग्जिस्ट करता है, तो ये नहीं है कि वी नहीं है ओमेगा है, वी भी है और ओमेगा भी है, कोई डाउट इसमें? अब देखने का नजरिया है ना, कोई पूरा सर्कल देख रहा है वो ओमेगा बोल रहा है, लेकिन जो सिर्फ मोशन में जाई जा रहा है वो वी देख रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट, क्लियर है? तो मुझे क्या निकालना है? इनका रिलेशन निकालना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। ठीक, तो अब इस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक चीज का आंसर दो कि सपोज ये सारी बातें एक मिनट के लिए अगर छोड़ दें, और इसको ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था आपको, जो कि आपको समझ में आ गया, तो इसको भी बंद कर रहा हूँ मैं यार, आधे इसका डायग्राम ही नया बना देते हैं, छोड़ो यार इस ये छोटा डायग्राम है, बड़ा बनाते हैं। देखो सपोज करो कोई भी बॉडी ए से कहाँ चली गई? बी पे। एक्चुअल में मैं फिर कहूँगा रियलिटी में ये छोटा है प्लीज़, पर आपको दिखाने के लिए कि आखिरी स्टूडेंट इसको देख सके इसको बड़ा बनाया गया, लेकिन रियलिटी में ये छोटा है प्लीज। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब दो मिनट के लिए वापस वेक्टर पे चलते हैं, वैसे घुमाने के लिए जा रहा हूं, नहीं भी जाऊंगा तो भी चलेगा। तो अगर आपको वेक्टर याद हो
तो मैंने आपको दो टाइप के वेक्टर सिखाए थे, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो क्या हुआ, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। सपोज करो एक बॉडी ए पोजीशन पे थी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलो, आर ए वेक्टर, और फिर वो कहां पे चली गई, बी पे चली गई, ये क्या हो गया, आर बी वेक्टर, राइट। ऐसे ही हुआ, और आपको याद होगा जब पोजीशन चेंज होती है और इस डिस्प्लेस इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, ऐसे करते थे। तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट कैसे दिखाया आपको, पोजीशन वेक्टर से और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो समझ में आ रहा है कि जब कोई बॉडी पोजीशन चेंज करती है उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपल वही एक्सपेक्ट करता है चैप्टर कि भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो यार तुम्हें पता है तुम वेक्टर करके ही आए हो तभी सर्कुलर तक आए हो, नहीं तो यहां तक पहुंचते ही ना। तो आप इसमें इतना तो जानते ही हो कि ये जो वेक्टर है इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधा ही लिख देंगे डेल्टा आर वेक्टर, बात खत्म, और ये सेंटर है। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर की, डेल्टा आर वेक्टर। आप इसको डीआर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीआर लिखो डेल्टा आर लिखो कोई बात नहीं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं, और ये लीनियर ही है, राइट, क्लियर है। अब कोई कहेगा सर फर्क तो है, कैसे, इसका रेडियस क्या है, आर, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशंस को मेंशन करूं तो ये वेक्टर कौन सा था, आर ए वेक्टर, ये क्या था, आर बी वेक्टर। तो मुझे ये पता है कि आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर का जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो सेम है ना। तो फिर ऐसे क्यों नहीं लिखा, आर वेक्टर क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिख दो जब सेम ही है, आर सेम है तो सेम लिख दो ना, आर ए वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नहीं, डायरेक्शन भाई, सिंपल डायरेक्शन, आर ए वेक्टर इस तरफ है, आर बी वेक्टर इस तरफ है, डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हुआ है, दूरी तो उतनी है, तो मैग्नीट्यूड तो आर लिख सकते हैं, आर ए वेक्टर का और आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर है, लेकिन वेक्टर डिफरेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, तो समझाने के लिए था ये भी। तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, आर ही लिखेंगे, सिंपल, हम सिंपल रखेंगे यार, लेकिन साथ साथ बता रहा हूं कि अगर कोई किताब वेक्टर फॉर्म में लिखती है तो क्या उसका मतलब है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई बॉडी यहां से यहां आ भी गई, ठीक है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में आप मुझे ये बताओ कि इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डी थीटा। देखो अगर आप यहां पे डी थीटा की जगह डेल्टा थीटा ले लो, अगर आप यहां पर डी आर ले रहे हो तो ये प्लीज डी थीटा लेना, और अगर आप डेल्टा आर ले रहे हो तो यहां पर डेल्टा ही लेना। देखो या तो डेल्टा चलेगा या डी चलेगा, राइट, मैं बता रहा हूं कि फर्क क्यों नहीं पड़ता, उसका आंसर भी दूंगा अभी आपको। तो यहां तक क्लियर है, आप बस मुझे ये बताओ कि ओमेगा होता क्या है, बताओ ओमेगा इसमें क्या होगा, मान लो यहां से यहां आने में टाइम टेकन डेल्टा टी है, तो बोलो ओमेगा क्या होगा, एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, टाइम क्या है, डेल्टा टी, ये रहा ओमेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा क्या है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ ये ट्राइंगल, ये सेक्टर देख रहे हो, इस सेक्टर में एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क कितनी है, डेल्टा थीटा, एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, आर्क क्या है बोलो, डेल्टा बाय आर, क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, करेक्ट की रॉन्ग, रॉन्ग क्यों है, स्केलर, स्केलर और घूम रहा है वेक्टर, मतलब वेक्टर अकेला ही घूम रहा है, ये वेक्टर तो ये स्केलर, ऐसा थोड़ा ना होगा यार, आर्क कभी वेक्टर होती है, आर तो लेंथ होती है, लेंथ में क्या लेना पड़ेगा इसका, मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। कोई डाउट इसमें, स्टेप क्लियर है यहां तक, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से भी क्या आ गया, डेल्टा थीटा आ गया, ये भी डेल्टा थीटा, ये भी डेल्टा थीटा, तो कुछ नहीं किया, मैथ्स की टर्म लगाई है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर लें तो ओमेगा इनटू डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय आर। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, यहां से काम करें, आर इंटू ओमेगा एक तरफ कर लें, डेल्टा आर का मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एक तरफ कर लें, कोई फर्क नहीं,
एक बात बताओ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? वी वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड है वी। अभी दिखाया था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा का बहुत ही फेमस रिलेशन है, इसे प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, वी इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। अब एक बात बताओ, अगर ओमेगा ज्यादा है तो वी भी ज्यादा है, और अगर ओमेगा कम है तो वी भी कम है, और बाकी सर्कल पे डिपेंड करता है रेडियस का है। तो क्या ये स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं यहां तक? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा।